नमस्कार दोस्तों, मैं मौजूद हूं झज्जर में, जहां 75वां गणतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया था। विभिन्न झांकियों के माध्यम से और विभिन्न अन्य गतिविधियों के माध्यम से आज गरिमा में वे गौरवपूर्ण क्षण थे प्रत्येक झज्जर जिलावासियों के लिए। जी हां, झांकियों का प्रदर्शन से लेकर के और जो तमाम तरह की चीजें थी, तमाम झज्जर जिलावासियों को उन्होंने गौरवान्वित किया है। इस समय हम मौजूद हैं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग झज्जर, जिसने झांकी निकाली है और पूरी तरह से जो इनकी कार्यशैली की प्रशंसा भी की गई है। चर्चा करने के लिए जगबीर सिंह मलिक जी हमारे साथ एससी हैं, आइए उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, स्वागत है आपका समाचार कैरी में। हमारा ये झांकी का जो उद्देश्य है, ये हर घर नल से जल का उद्देश्य है और हरियाणा सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री की, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जल जीवन मिशन का जो लक्ष्य है हर घर नल से जल प्रदान करने के लिए हमने ये झांकी निकाली है। और कल ये झांकी हम प्रिपेयर करके रोहतक से झज्जर ला रहे थे, तो रास्ते में क्रोथा गांव के पास एक्सीडेंट हो गया था और ये झांकी बिल्कुल ध्वस्त हो गई थी। तो मेरे इंजीनियरिंग विभाग के SDO नवीन कुमार और मेरे जूनियर इंजीनियर विकास दीप ने मेहनत करके और संकल्प लिया कि झांकी को हम दोबारा फिर उसी शेप में खड़ा करके और कल इंडिपेंडेंस डे पर माननीय मंत्री जी के समक्ष हम पेश करेंगे। कुछ हुआ, संदेश क्या देना चाहेंगे जिलावासियों को? जिलावासियों को मैं तो ये संदेश देना चाहूँगा कि पानी बड़ी ही अमूल्य चीज़ है। हम उन सभी से प्रार्थना करते हैं कि व्यर्थ ना बहाएं पानी को और उसका सदुपयोग करें, अपने नल पर टूटियाँ लगाएं। जी हाँ, जल बड़ा अमूल्य है और इसको व्यर्थ ना बहाएं, यही संदेश दिया गया है आज जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग झज्जर की ओर से। इस झांकी के माध्यम से यह मैसेज दिया गया है प्रत्येक उस भारतीय नागरिक को कि वो जल की महत्वता को समझे। जी क्या कहेंगे? सर, मैं भी इसी विषय पर यही कहूँगा कि जो हमारा मिशन है, जल है तो कल है, और इसी पर आगे आने वाली जो भी हमारी पीढ़ियाँ हैं वो डिपेंडेंट है, तो सभी से एक ही गुजारिश है कि इसकी वेस्टेज को रोकें और इसे बचाए ताकि भविष्य में अपने बच्चों को शुद्ध स्वच्छ जल प्रदान कर सके। जी हाँ, जल ही जीवन है। संक्षेप में आपकी ओर से क्या संदेश है? मेरी तरफ से सभी लोगों से ये गुजारिश है कि जितना हम जागरूक होंगे इसके प्रति, उतना ही हमारे आगे आने वाली भविष्य की पीढ़ियों को इसका फायदा मिलेगा। और हमें इसी मिशन को हमें अभी शहरों से लेकर गांव के घर घर तक पहुंचाना है, इसी के लिए हमारा अथक प्रयास करेगा। जी हाँ, आओ हम सब मिलकर के इस 75वें गणतंत्रता दिवस पर ये शपथ लें कि हम सब जल को बचाने के लिए प्रेरित नजर आएंगे और जल संरक्षण की जो मुहिम है हरियाणा सरकार द्वारा और झज्जर जिले के ये तमाम ऑफिसरान आपको नजर आ रहे हैं जो जुटे हुए हैं लोगों को जागरूक करने के साथ साथ झज्जर जिले को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए। तो हम सब का भी ये नैतिक दायित्व बनता है कि जल बचाने के लिए और जल संरक्षण के लिए हम सब आगे आएं।